हेलो फ्रेंड्स, मु दीपा आपनकु बर्नाली चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, प्रत्येक धर्म रे किछि चिन्ह को अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। सही चिन्ह रो प्रयोग पूजा रे बहुल भाव रे करा जाय थाए। कोनसे नूतन कार्य आरंभ करबा समय रे सही चिन्ह रो व्यवहार करबा द्वारा सफलता मिलि थाए। हिंदू धर्म रे स्वस्तिक, कलस, ओम, शुभ लाभ इत्यादि चिन्ह रो व्यवहार करा जाय। एहार व्यवहार द्वारा अनेक शुभ फल मिलिथाए। आसंतु जानिबा एपरि चिन्ह द्वारा कोन सबु शुभ फल मिलिथाए। एही विषय रे अधिक जानिबा पई डिस्क्रिप्शन रे दिया जायथिबा लिंक रे जानतु। फ्रेंड्स, प्रथमे जानिबा स्वस्तिक चिन्ह विषय रे। स्वस्तिक चिन्ह रो संबंध वास्तु सह रहिछि। स्वस्तिक चिन्ह करिबा बेले ताकू खूब सतर्कतार सह ठीक भाबे करिबा उचित। स्वस्तिक चिन्ह रो समस्त दिग ठीक भाबे अंका होइथिबा उचित। एहा द्वारा घरे थिबा समस्त वास्तु दोष दूर होइथाए। स्वस्तिक चिन्ह रे भगवान विष्णु ओ नारद मुनिंकर शक्ति रहिछि। हळदिया रंग ओ नाली रंग रे स्वस्तिक चिन्ह करिबा अत्यंत शुभ अटे। द्वितीय चिन्ह ओम। एहाकु ईश्वरंक सबुठारु बड नाम बोली कुहा जायछि। ओम रो उत्पत्ति अ उ एवं म रो मिश्रण रे होइथाए। समस्त वेदरे मंत्र उच्चारण समय रे ओम उच्चारण अत्यावश्यक अटे। एथिरे समस्त शक्ति रहिछि। तृतीय चिन्ह हैला शुभ ओ लाभ चिन्ह। शुभ लाभंकु गणेशंक पुत्र बोली कुहा जायछि। सेमानंक मध्यरे कुबेरंक शक्ति रहिछि। समस्त यज्ञर उत्पत्ति शुभ लाभ द्वारा होइछि। शुभ लाभरे सिद्धि, विद्या, समृद्धि ओ सम्पत्तिर वास होइथाए। चतुर्थटि हैला कलश। कळसरे अमृत ओ वरुण देवतांक वास रहिछि। घरर मुख्य द्वाररे कळस ओ श्रीफळ स्थापन करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा प्रत्येक कार्यरे सफलता मिलिथाए। आशा करछि फ्रेंड्स, भिडियोटि आपनकु पसंद आसतिबो। पसंद आसतिले लाइक आउ शेयर करन्तु, आउ मध्ये आम चैनल को सब्सक्राइब करिनियन्तु। धन्यवाद।